नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। और आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में माउंट वेटन योजना पढ़ रहे हैं। तो ये माउंट वेटन प्लान क्या था, इसका हम सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे और उसके बाद इसमें क्या क्या प्रोविजन थे, प्रावधान क्या थे वो देखेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ा भारत के इतिहास में और व्यापक रूप से भारत की आज़ादी में। और उसके बाद इस टॉपिक्स में समरी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में आते हैं, लास्ट में इससे आने वाले बड़े ही महत्वपूर्ण। आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स अपने बना लीजिए और यदि कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कुछ समय बाद आप इसको फिर से वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। व्यवस्थित पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो आइए समझ लेते हैं उसका बैकग्राउंड क्या था। तो 1947 के पहले 1946 में क्या हुआ था, इनके जो प्रधानमंत्री हैं क्लिमेंट एटली, इन्होंने एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा था इस बात के लिए कि जाइए आप और यहाँ पे जो भारत के लोग हैं इनको सत्ता हस्तांतरित करिए, यानी पावर को ट्रांसफर करिए, पहला काम दिया था। दूसरा, भारत के लोगों को एक संविधान बनाने के लिए उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करें। लेकिन जिन्ना और कांग्रेस के बीच में इसके बावजूद भी गतिरोध जारी था। तो क्लिमेंट एटली लंदन में फिर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसको हम लंदन कॉन्फ्रेंस करते हैं, 3 से 6 दिसंबर के बीच में 1946 को। यहाँ पे एटली होते हैं यानी वहाँ ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, लॉर्ड वेवल होते हैं भारत के वायसराय, कांग्रेस होती है, कांग्रेस की तरफ से यहाँ से मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली। लेकिन इस लंदन कॉन्फ्रेंस में भी कोई एक ऐसा कंक्लूजन नहीं निकल पाता जो एक सांप्रदायिक मांग चल रही थी जिन्ना के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को एटली घोषित करते हैं, जून 1948 तक हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। ठीक है, ये निर्णय जो इटली ने क्यों लिया, क्योंकि ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में काफी इन्वॉल्व था, उसका काफी फाइनेंशियल लॉस हो गया था, ऊपर से यहाँ पे आंतरिक मतभेद बहुत ज्यादा चल रहे थे। ब्रिटेन ने ये सोचा कि अब हम भारत का जो उपनिवेश है हम इसको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। डिक्लेरेशन के बाद में उस समय जो तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड वेवल, उसके बदले में उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, लॉर्ड माउंट वेटन। ये पहले आर्मी में थे उनकी। अब ये जितना भी पावर का ट्रांसफर है, सरकार सौंपने की प्रक्रिया है, इसको ये पूरा करेंगे। तो 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं नए वायसराय भारत के। बात करते हैं कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से, तो इनके मतभेदों के कारण अभी भी समस्या ऐसी बनी हुई है कि देश के बहुत बड़े हिस्से में अभी भी सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम संप्रदाय आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी अनियंत्रित स्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अब भारत का विभाजन कंपलसरी होगा। इसके लिए वो एक प्रस्ताव सबसे पहले लाते हैं मई 1947 में। इस प्लान को बोलते हैं डिकी बर्ड प्लान, और इसी प्लान को कई जगह पे आपको बालकन प्लान भी मिलता है। इस प्लान के तहत लॉर्ड माउंटबेटन बोलते हैं जितने भी राज्य एग्जिस्टिंग है, जैसे हमने देखा था ना, सेंट्रल प्रोविंस है, मुंबई है, मद्रास है, बंगाल है, असम है, पंजाब है, तो ऐसे जितने भी राज्य हैं सबको एक देश बना। अब बालकन का जिक्र कहाँ से आया, तो बालकन एक रीजन है यूरोप में, पूरे यूरोप में ऐसे छोटे छोटे देश बना दिए गए, तो उस वजह से इस बालकन योजना भी इसको कहते हैं। माउंटबेटन ने ये डिस्कस किया था जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया। तो जितने राज्य उतने देश, तो इस तरीके का ये जो अनरियलिस्टिक प्लान था माउंटबेटन का, इसको खत्म कर दिया। तो जब ये प्लान फेल हो गया तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय वायसराय है भारत के, एक नया प्लान प्रस्तुत करते हैं, इसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। तो ये प्रस्तुत करते हैं 3 जून 1947 को, इसी को बोलते हैं 3 जून प्लान। तो माउंटबेटन के इस प्लान में क्या प्रावधान थे, आइए देखते हैं। पहला ये दिया उन्होंने कि भारत का जो विभाजन है इसको भारतीय संघ यानी इंडियन यूनियन, और दूसरा पाकिस्तान, इन दो नाम के डोमिनियन स्टेट में कर दिया जाए। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए, उसमें आपको डोमिनियन स्टेट की पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर ये कहा दूसरी बात कि जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है जिसको हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं, जहां से खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गादी कहा जाता था, वो आते थे, उनका एक संगठन वहां काम करता था लाल कुर्ती के नाम से। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिलचर, जो आज की डेट में असम के पास में है, असम के पास में सिलचर, यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि भाई आप यहाँ पे जनमत संग्रह करवा लो, यहाँ पे पब्लिक का जन्म संग्रह करवा लो, जो पब्लिक जिस भी दिशा में जाना चाहेगी, यानी पाकिस्तान तो पाकिस्तान, भारत तो भारत, यहाँ पे इस तरीके से निर्णय होगा। एक और प्रावधान डाला कि सिंध के लिए पब्लिक को वोट डालना पड़ेगा, और वोट के माध्यम से हम उसका निर्धारण करेंगे कि सिंध के लोग कहाँ जाना चाहते हैं, भारत या
पाकिस्तान, सिलचर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत या सिंध, ये ज्यादातर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ निर्णय लेने में ज्यादा दिक्कतें नहीं है। लेकिन पंजाब और बंगाल में ये स्थिति है कि यहाँ पर हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी बहुत बड़ी संख्या में है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो जिस कम्युनिटी का है उस कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनके जनप्रतिनिधि, जनसंख्या के आधार पे इन राज्यों का विभाजन कर दिया जाए कि कहाँ पर हिंदू जनसंख्या ज्यादा, कहाँ मुस्लिम जनसंख्या। तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बनी है, जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो चुकी है। वो संविधान सभा अब भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग हुई। अब देसी रियासतों का मसला है कि देसी रियासतों का क्या किया जाए, जो यहाँ के राजे रजवाड़े हैं, चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ या फिर आप भारत में मिल जाओ या फिर स्वतंत्र देश बन जाओ। तो ये प्रपोजल दिया उन्होंने देसी रियासतों के संबंध में। इस माउंटबेटन प्लान के इन प्रावधानों के आधार ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया जिसको कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। माउंटबेटन की सिफारिश के अनुसार ये प्रस्ताव जो है वो ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को रखा जाता है और 18 जुलाई को कानून पास कर देती है जिसको बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दो डोमिनियन स्टेट की मान्यता दी गई, इसका गठन किया गया और इनके पास ये चॉइस थी कि आप कॉमनवेल्थ के मेंबर होते हो या नहीं होते, जो आप चॉइस चूज कर सकते हो। अब संविधान सभा का इसी कानून में हमने बताया कि सत्ता का हस्तांतरण भी कर दिया गया कि संविधान सभा अलग अलग होगी, दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे और अलग अलग प्रधानमंत्री होंगे शुरुआती तौर पर। और इसमें यह प्रावधान डाला गया कि ब्रिटेन में जो भारत मंत्री का पद होगा इसको समाप्त कर दिया गया। जो ब्रिटेन की सर्वोपारिता यानी अभी तक हम मोनार्की यानी वहां के जो राजतंत्र है उसको सबसे ऊपर मानते थे, तो वो भी यहाँ पर खत्म हो गया। और उसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भी शासन चलेगा। जब तक भारत की जो संविधान सभा है ये अपने लिए स्वतंत्र एक नया संविधान नहीं बनाती तब तक। अब आइए देख लेते हैं कि राज्यों का विलय हो गया किस प्रकार से होगा। ये सारे प्रावधान देखे हमने। देशी रियासतें जो उस समय कुल संख्या में 565 थी, 565 थी, इनमें से जो 562 हैं वो अपनी इच्छा से, जिनको पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान चले गए, जिनको भारत में आना है वो भारत में आ गए। 3 ऐसी बच गई जिनके साथ में कुछ कुछ इश्यूज थे, तो वो कौन सी थी? पहली थी जूनागढ़। तो जूनागढ़ की स्थिति आप देख रहे हैं कहाँ पर है। तो जूनागढ़ का एक शासक था मोहम्मद महाबत खान तृतीय, इसने तय किया कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। ज्यादातर लोग वहां पर हिंदू कम्युनिटी के रहते हैं, तो उन्होंने अपने उस राजा के खिलाफ में विद्रोह कर दिया। अब जब राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटरवेन किया और ये बोला कि एक रेफरेंडम करा लेते हैं कि जनमत संग्रह क्या बोलता है। तो 20 फरवरी 1948 को जनता अपना जनमत संग्रह देती है और वो तय करती है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। अंततः भारत के साथ में उनके विलय पत्र का साइन होता है और भारत में जूनागढ़ मिला लिया जाता है। हैदराबाद के साथ क्या स्थिति बनती है? तो हैदराबाद का जो शासक था मीर उस्मान अली खान, उनका कुछ अलग ही आइडियोलॉजी थी। वो चाहते थे कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन रहेंगे, क्योंकि उस समय हैदराबाद एक सबसे बड़ा राज्य भी था और काफी संपन्न भी था। उनके पास एक सेना थी रजाकार सेना के नाम से। तो हैदराबाद ने तय किया कि हम स्वतंत्र देश बनेंगे, लेकिन वहां कर भी 80% जो जनसंख्या है वो हिंदू जनसंख्या थी। सांप्रदायिक दंगे बहुत ज्यादा हो गए, जिसको हम कह सकते हैं कि लॉलेस सिचुएशन की, कोई कानून नहीं है, सब इधर उधर छिन्न भिन्न हो गए हैं और स्टेट के अंदर में बड़ा असंतोष हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको अप्रोच किया और उनकी जो सराउंडिंग स्टेट थी भारत की, उनकी तरफ से तो अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां सेना भेजना शुरू किया और वहां पे स्थिति को कंट्रोल करने का काम किया और इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया। ठीक है, तो सितंबर 48 में ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई की गई हैदराबाद में और अंततः जो निजाम है हैदराबाद का, उसने भारत के साथ में एक विलय पत्र का समझौता कर लिया, उनका भारत में विलय कर दिया। अब जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति थी? वहां का जो राजा था हरी सिंह, वो भी स्वतंत्र राष्ट्र के पक्षधर थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना ने वहां के कबीलाई लोगों के साथ मिलकर के आक्रमण कर दिया कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लिया जाए। जो राजा हरी सिंह है भारत के पास मदद मांगने के लिए आते हैं। अब यहां के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम आपको किस हैसियत से मदद करें, क्योंकि आप तो हमारे में विलय नहीं है। तब जाके 26 अक्टूबर को हरी सिंह जो होते हैं वो भारत के साथ विलय पत्र पे साइन करते हैं और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर देते हैं। तो इस विलय के बाद भारतीय जो सेना है वो उस मामले में हस्तक्षेप करती है और 1 जनवरी 1949 को यूएनओ के हस्तक्षेप के बाद में वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हो रहे हैं उनको रोकने के लिए एक सीज फायर एग्रीमेंट होता है, यानी युद्ध विराम की स्थिति बनती है। और उस युद्ध विराम के बाद जो एक नई बाउंड्री बनती है, इसको हम कहते हैं एलओसी। तो आपने अभी भी देखा होगा
कि जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा भारत के पास है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। इसके बाद इसका क्या प्रभाव पड़ा, आइए देखते हैं। पहला ये कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को स्वतंत्र हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना वहां के गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली वहां के पहले प्रधानमंत्री बने। 15 अगस्त को भारत जो स्वतंत्र हुआ और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। दो दिन बाद 17 अगस्त 1947 को सिरिल रेडक्लिफ, ये आप इमेज में देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया। तो सीमा के निर्धारण में बहुत सारी चुनौतियां थी क्योंकि हिंदू संप्रदाय के लोग पाकिस्तान से भारत में आना चाहते थे, मुस्लिम संप्रदाय के कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इनको दो कमीशन बना करके भारत भेजा था कि एक तरफ आप इस बंटवारे की प्रक्रिया को पूरा करवाओ और दूसरा इनके बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको फिक्स करो। तो ये दो काम को लेके यहाँ पे रेडक्लिफ आते हैं। इसलिए हमारे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बड़ा रेडीमेड बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा कौन सी है, तो जी हाँ, रेडक्लिफ रेखा इसी से बनी है। अब बाकियों के साथ क्या होता है, तो गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कब्जे में अभी भी था, जो कि हम देख सकते हैं कि बाद में वो भारत का हिस्सा बन गया। पुदुचेरी भी उस समय तक फ्रांसीसियों के कब्जे में था 1947 में, लेकिन बाद में वो भारत में शामिल हो गया, भारत का हिस्सा बन गया। ये थोड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जून 1947 में कांग्रेस के जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था वहां पर इस जो विभाजन का प्रस्ताव है इसको स्वीकार कर लिया गया था। थोड़ा सा घटना पुरानी है और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी, ठीक है। तो ये जो होल सोल हुआ कि पूरा हमने कानून देख लिया, उसका प्रभाव देख लिया, आइए इस टॉपिक के कुछ मैं विविधता थी या समरी देख लेते हैं। तो 3 जून योजना के तहत हमने क्या देखा था कि भारत को विभाजित करने का कानून बना ब्रिटिश संसद में, 3 जून योजना के सुझाव के आधार पर भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन राज्य बने, कॉमनवेल्थ के सदस्य बने रह सकते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गादी कहा जाता है, इन्होंने इस विभाजन का विरोध किया। साथ ही साथ कांग्रेस की भी जो कार्य समिति थी उस कार्य समिति के बहुत सारे सदस्य इस विभाजन के विरोध में थे। स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्लेमेंट एटली थे, याद करने वाले फैक्ट। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जी हाँ, जेबी कृपलानी थे। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। और भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किसने किया है, तो सिरिल रेडक्लिफ ने, इसको हम कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। तो आइए अब देख लेते हैं इस टॉपिक से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ। तो एसएससी एमटीएस में ये एग्जाम में आ चुका है पेपर क्वेश्चन। भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया, ये जेपीएससी में, झारखंड पीएससी में आ चुका क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का आधार बनी, क्रिप्स मिशन, राजगोपालाचारी, कौन सा बेस बना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का, ये बताना है। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सारे प्रश्नों के आंसर। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी। तो ये हुए आज के हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, शेयर करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। वीडियो ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।